अमर चौधरी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी, बिहार में जो आरएसएस के नेता हैं तमाम उनकी स्नूपिंग की बात हो रही है, राजा रहा कि उनकी जासूसी हो रही है आरएसएस नेताओं की। मैंने भी समाचार पत्रों में देखा, देख करके आठवां आश्चर्य हुआ। मुझे मेरे मन में दो विषय आया है, क्या बिहार सरकार को आरएसएस ने कोई लिख करके दिया कि मेरे तमाम संगठन लापता हो गए हैं, जरा खोज करके बताइए कहाँ कहाँ हैं। अगर आरएसएस ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है तो कौन सा इमरजेंसी आपातकाल आ गया? 74 में ही आरएसएस को खोजा गया था पुलिस के द्वारा छानबीन। तो ये जो आरएसएस मोहन भागवत से जर्मनी का जाकर के एम्बेसडर उनसे मिलता हो, दुनिया में ये साख हो, कौन सा भय बिहार सरकार को हो गया है? अगर ये है तो आपत्तिजनक है। क्या उनको सुशील मोदी उनके डिप्टी सीएम है बिहार सरकार के, इसका मतलब डिप्टी सीएम को भी कॉन्फिडेंस में नहीं रखा गया? बोले अजीब सी बात है कि सरकार में बीजेपी हो और वहाँ पर आरएसएस नेताओं की जासूसी हो पता करना। ये तो सही में लग रहा है कि न सिर्फ सरकार में अपने सहयोगियों को अब विश्वास में लेना, बल्कि कहीं ना कहीं अविश्वास से आरएसएस को लेकर तभी नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। जो भी हो, संघ के स्वयंसेवक होने के नाते गिरिराज को ये बर्दाश्त नहीं कि संघ ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसको खोजना पड़ रहा है गुप्तचर से, या किस पर अविश्वास हो गया है? अगर क्या ऐसा काम कर रहे हैं संघ वाले की उनकी जासूसी हो रही है? मैं तो यही पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, और मेरी आपत्ति भी यही है कि आखिर बिहार सरकार का कौन सा इमरजेंसी आ गया? न संघ के लोगों ने लिख के दिया कि मेरे लोग लापता हो गए, ये बिहार सरकार को बताना चाहिए। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज बड़े नीतीश कुमार नाराज़ भी थे, वहाँ जो खबरें आई कि बाकायदा पुलिस वालों पे और सब पे नाराज़ थे कि ये खबर लीक कैसे हो गई। देखिए, लीक हुई या खबर पास ऑन हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि आखिर आरएसएस के ऊपर कौन सा शिकंजा डालना चाहते हैं बिहार सरकार? क्यों आरएसएस से लोग डरे हुए हैं? दूसरे देश के राजनयिक एम्बेसडर आकर के मिल रहे हैं और ये डर रहे हैं? साफ तौर पर क्यों डर रहे हैं और क्या आखिर वजह है कि इस तरह से बातें कर रहे हैं? और नीतीश कुमार ने अगर ऐसा जो किया है उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गिरिराज सिंह ने। दीपक शर्मा के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।